गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय पंडागले, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल में, जो कि एनसीईआरटी का एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है। आज मुझे बोला गया है कि आईसीटी के ऊपर कुछ बात की जाए, तो मैं आईसीटी का इस्तेमाल एजुकेशन में कैसे हो सकता है इसके ऊपर बात करूँगा। आप सब भी लोग जान रहे हैं कि आज के इस परिस्थिति में, जहाँ पर स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, आप बहुत सारी बातें अभी पिछले 1-1.5 महीने पहले तक बंद थी, इन सब बातों में, ये सारी ऐसी कठिन परिस्थिति में जो हमारा साथ दिया है, मेरे हिसाब से वो आईसीटी ने दिया है, टेक्नोलॉजी ने दिया है। तो सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी हम किसे कहते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी का मतलब केवल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसको हम हिंदी में तकनीकी कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो शब्द है वो बनता है टेक्निक से, राइट, टेक्निक से। सो टेक्निक तो कुछ भी हो सकती है ना। जैसे हम 7वीं 8वीं में पढ़ते थे कि एक बड़े पत्थर को एक जगह से दूसरे जगह पर अगर लेके जाना है, वो काफी बड़ा पत्थर है, तो हम पुली का इस्तेमाल करते थे। मतलब नीचे, उसके नीचे एक लोहे की, जो मराठी में हम सब्बल बोलते हैं, पहाड़ भी बोलते हैं, आप लोग कुछ और बोलते होंगे, एक मोटा सरिया होता है लोहे का, जिसको हम उस पत्थर के नीचे डालते हैं और उस सरिये को पीछे भी एक पत्थर रखते हैं और ऐसे उसको दबाते हैं, और दबाने के बाद होता क्या है कि वो पत्थर धीरे धीरे आगे सरकना शुरू होता है। तो ये भी तो टेक्निक है। तो टेक्निक का मतलब केवल और केवल हम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से ना जोड़े, या टेक्नोलॉजी का मतलब हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से हम ना जोड़े, वो हर एक चीज जो इंसान का काम आसान करती है उसको हम टेक्निक कहेंगे या टेक्नोलॉजी कहेंगे। आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान को जब टीचर क्लासरूम से बाहर निकालता है तो वो मशीन की जो डेफिनेशन है, सिंपल शब्दों में टीचर को बताने की कोशिश करता है, लेकिन टीचर उस बात को नहीं समझता, क्योंकि टीचर क्या चाहता है कि जो किताबों में दिया हुआ है वही जवाब दे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, केवल हमारे देश की ही नहीं, हम देखेंगे सब तरफ कि किताब की जो बातें हैं उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही फोकस किया जाता है। किताब की बातें पढ़ के या समझ के जो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं उसकी मान्यता ज्यादा है ही नहीं, तो उसके चलते हुए विद्यार्थी कहीं ना कहीं एक संकोच में रहता है कि जो किताब में दिया हुआ है वही अंतिम सत्य है, या किताब से पढ़ के मैं भी कुछ नया बना सकता हूँ। ठीक, तो टेक्नोलॉजी की बात मैंने आप लोगों के सामने रखी कि टेक्नोलॉजी हम किसे कहेंगे। अब इसी टेक्नोलॉजी के चलते हुए हमारे शिक्षा में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आई, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, अलग से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नामक दोनों को क्लब करके एक नई टेक्नोलॉजी आई, जिसको हम आईसीटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली है क्या? ऐसी टेक्नोलॉजीज या ऐसी तकनीक की जिनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसी टेक्नोलॉजी जिनके माध्यम से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कोई बात आपसे की, आपने मेरे बात को समझा, समझ के उसका एक जवाब दिया, वो जवाब मेरे पास आया, मैंने उसके ऊपर अपनी बात की, दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन इज। सो कम्युनिकेशन इज टू वे प्रोसेस। एक पहला, एक होता है सेंडर, वो एक माध्यम के द्वारा, एक मीडियम के द्वारा, जैसे अभी जो मीडियम है हमारा फेसबुक के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से या टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आप लोगों से बात करता हूँ, अभी बात कर रहा हूँ, तो एक माध्यम के द्वारा वो अपना संदेश, अपना मैसेज रिसीवर को भेजता है और रिसीवर उसको रिसीव करता है, और वो रिसीव कब कर सकता है या कर पाता है, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज पता है, उसको वो भाषा पता है। तो सेंडर अपना मैसेज कोड करके भेजता है एक माध्यम के द्वारा, रिसीवर उसे रिसीव करता है, उसको एनकोड कर, डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि सामने वाला मुझे क्या कहना चाहता है, और वो फिर अपने तरफ से फिर एक बात या अपना संदेश भेजता है, फिर एक माध्यम से वो जो पहला सेंडर था अब वो रिसीवर बन जाता है। तो इस तरीके से ये जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलती है जिसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट।
तो मैं आईसीटी पे आ रहा था, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी अपने आप में बहुत विस्तीर्ण है, काफी बड़ा दायरा है इसका। जब हम इसको शिक्षा में लेके आते हैं तब इसे हम आईसीटी इन एजुकेशन कहते हैं। इसके कई उदाहरण मैं आपको आने वाले मेरे इस लेक्चर में आगे दूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आईसीटी वाकई बहुत सिंपल है और उसको शिक्षा में उसका इस्तेमाल करना और भी ज्यादा सिंपल है। तो अगर हमें आईसीटी का इस्तेमाल करना है तो बेसिकली हमारे पास क्या होना चाहिए? तो हमारे पास सिर्फ दो बातें होनी चाहिए। एक, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर इन द केस ऑफ आईसीटी इज नथिंग बट अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारे पास गैजेट होना चाहिए जिसके माध्यम से हम टेक्नोलॉजी पे काम कर सके, विद्यार्थियों तक पहुंचा सके। हमारे पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में या इवन हमारे मोबाइल में भी हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी होता है। तो ये एक बार इनकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी, दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट। तो ये अवेलेबिलिटी हमारे सरकार ने आईसीटी एट स्कूल, SSA, RMSA, ऐसी कई स्कीम्स हमारे देश में चली है, जिनके चलते हुए ये जो सारी मैक्सिमम जगह पर, इवन सरकारी जगह पर भी हम पाते हैं कि ये सुविधाएं हमारे स्कूलों में पहुंच चुकी है या पाठशालाओं में पहुंच चुकी है। दूसरी जरूरत इसके लिए ये होती है कि ये जो फैसिलिटी हमारे पास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल। मेरे पास कंप्यूटर तो आ गया, मेरे पास प्रिंटर तो आ गया, मेरे पास स्कैनर तो आ गया, मेरे पास बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन अगर मैं यही नहीं जानता हूँ कि इसका इस्तेमाल मैं कहाँ और कैसे करूँ, तो फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई खास फायदा रहेगा नहीं। अब ये जो दूसरी बात है कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि हम कैसे इनका इस्तेमाल करेंगे, ये हमको जानना जरूरी है। तो ये जानने के लिए हो सकता है ट्रेनिंग की जरूरत पड़े। सो ट्रेनिंग भी कई मात्रा में, अधिकतर मात्रा में दी जा रही है। मुझे अपना जो पर्सनल मेरा अनुभव है, क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर का अलग से कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, मेरे अलग से कोई कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं है, उसके बावजूद भी मैंने ये पाया है कि कंप्यूटर बहुत आसान चीज है। तो कंप्यूटर सीखने के लिए या टेक्नोलॉजी सीखने के लिए सिर्फ दो बातों की जरूरत है। एक है इस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट होना। वैसे किसी भी विषय को सीखने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना, उसमें जिज्ञासा होना, उसमें रुचि होना बहुत जरूरी होता है, अनिवार्यता है उसकी। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है पागलपन, मैडनेस। मतलब जब तक आपके पास मैडनेस नहीं है, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई व्यक्ति साइंटिस्ट कैसे बनता है। साइंटिस्ट के पास एक मैडनेस होता है, वो अपनी किसी रिसर्च के ऊपर इतना पागलपन के हद तक बिजी रहता है कि वो दिल दुनिया को भूल जाता है और सिर्फ अपने काम पे फोकस करता है। तो वैसे ही अगर हमें टेक्नोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट हासिल करना है तो उसके लिए एक पागलपन, मैडनेस की जरूरत है। ओके, अब आईसीटी को और सिंप्लीफाई अगर करना है तो नॉर्मली आईसीटी में होता क्या है? आप लोगों ने एक मल्टीमीडिया नामक शब्द सुना होगा, जिसको हिंदी में हम बहुमाध्यम कहते हैं। मल्टीमीडिया बेसिकली चार बातों को मिलकर बनता है। चार बातें इसमें है। सबसे पहले टेक्स्ट सॉफ्ट फॉर्म में, दूसरा इमेजेस, तीसरा वीडियो या ऑडियो, और चौथा वीडियो। सो टेक्स्ट सॉफ्ट फॉर्म में, दूसरा इमेजेस या फोटोज या पिक्चर्स जिसे हम कहते हैं, तीसरा ऑडियो फाइल और चौथा वीडियो फाइल। ठीक, हमारे किताब में मेनली टेक्स्ट होता है हार्ड फॉर्म में, लिखावट उसको छपाई की गई होती है, और साथ ही साथ उसमें इमेजेस भी होती है। लेकिन आईसीटी या मल्टीमीडिया कंटेंट या मल्टीमीडिया सीरीज आप अक्सर सुनते हो, ये हमें सुविधा देता है कि हम उसमें वीडियो और ऑडियो को भी रख सकते हैं। अब ये चारों बातें हम कहाँ और कैसे तैयार करें, इसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। इसके ऊपर बात करने के पहले मैं एक छोटा सा अप्रोच आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज CPTK अप्रोच या TPAC अप्रोच। CPTK, C स्टैंड फॉर कंटेंट, P स्टैंड फॉर पेडागोजी, T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, एंड आखिरी में K जो है वो नॉलेज। सो कंटेंट, पेडागोजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। हम लोग जब टीचर बनते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमने ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, मतलब कंटेंट हमारे पास है। जब हम टीचर बनते हैं इसका मतलब या तो हमने DED किया है, BED किया है, MED किया है। इसका मतलब पेडागोजी जो
सब्जेक्ट्स या जो कोर्सेस हमें पेडागोजी के बारे में बताते हैं, पेडागोजी इज नथिंग बट आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। किस तरीके से, क्योंकि किताब में एक कंटेंट दिया होता है, वो कंटेंट को कैसे विद्यार्थी तक पहुंचाना है ये किताब हमें नहीं बताता, हमें ये पेडागोजी बताती है, हमें एक शिक्षा शास्त्र बताता है, वो बताता है कि इस कंटेंट को विद्यार्थी के पास तक कैसे पहुंचाना है। ओके, तो हम जब टीचर बनते हैं तो हमारे पास कंटेंट भी है, हमारे पास पेडागोजी भी है। अगर हमारे पास अगर नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो होगा टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, वो कुछ लोगों के पास है लेकिन बहुतों के पास आज भी नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत कठिन चीज है, लेकिन वो कठिन चीज है नहीं। क्यों कठिन चीज नहीं है? क्योंकि आजकल हम लोगों में से हर एक के पास स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन हमको किसने सिखाया, स्मार्टफोन का यूज करना, कैसे यूज करना। हो सकता है एक आध दिन हम किसी की मदद ले, लेकिन हर दिन तो हम किसी की मदद नहीं लेते। कुछ ही दिनों में हम सीख जाते हैं कि इस स्मार्टफोन की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, पहले आपको ईमेल करना है तो अलग से डेस्कटॉप या लैपटॉप चाहिए था, आपको स्कैन करना है तो अलग से स्कैनर चाहिए था, आपको फोटो खींचना है तो आपको स्टील कैमरा चाहिए था, आपको वीडियो बनाना है तो आपको वीडियो कैमरा चाहिए था, ऐसी तमाम अलग अलग गैजेट्स हमें चाहिए होते थे। लेकिन स्मार्टफोन इतना पोटेंशियल गैजेट है कि उसने सबको एक जगह पे लाके रख दिया। मतलब आपको स्कैनिंग करना है तो भी स्मार्टफोन से होगा, मेल करना है तो भी स्मार्टफोन से होगा, फोटो खींचना है, वीडियो बनाना है, चैटिंग करना है, क्या जो आप चाहते हो, वो सारी बातें इतने छोटे से गैजेट में, पोटेंशियल गैजेट में, जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं और इसलिए वो स्मार्टफोन है, उसमें आ गई है। और वो जब हमको किसी ने नहीं सिखाया तो टेक्नोलॉजी है क्या? इसके अलावा टेक्नोलॉजी है क्या? मतलब हम कैसे मानते हैं कि टेक्नोलॉजी कठिन है? तो सबसे पहले ये धारणा हमें तोड़नी होगी कि टेक्नोलॉजी कठिन है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं सीपीटीके की बात, टीपैक की बात कर रहा था। तो हमारे पास कंटेंट है, हमारे पास पेडागोजी है, हमें अब चाहिए तो सिर्फ टेक्नोलॉजी चाहिए। सो टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जब हम स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है। अब जब हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो हमको पृथक से कंटेंट या पेडागोजी या टेक्नोलॉजी के ऊपर बात नहीं करनी, इन तीनों को इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेट करना है मतलब एग्जैक्टली क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन? मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, चाय वाला। हम घर में लगभग हर कोई व्यक्ति चाय पीता होगा या कॉफी पीता है, ठीक। अब जब चाय बननी होती है तो हमारे पास शक्कर चाहिए, हमारे पास पत्ती चाहिए, हमारे पास दूध चाहिए, हमारे पास पानी चाहिए, ये चार पांच मेन उसके इंग्रेडिएंट है। कोई अदरक डालेगा, तुलसी डालेगा, वो अलग बात है, कोई नींबू डालेगा वो अलग बात है, लेकिन मेनली ये चार बातें हमारे पास होनी चाहिए। तो ये चारों बातें शुरुआत में पृथक होती है। पानी को आप देख सकते हो कि ये पानी है, ये दूध है, ये चीनी है, ये पत्ती है, राइट। लेकिन जब चाय बन के हमारे पास, हमारे प्याली में हमारे सामने आ जाती है, तब क्या आप बता सकते हो कि कहाँ पर चीनी है और कहाँ पर दूध है और कहाँ पर पानी है और कहाँ पर पत्ती है? नो, दैट इज दिस इज द एग्जैक्ट, या क्या, या ये कहेंगे परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन। सो उसी तरीके से कंटेंट अलग नहीं दिखना चाहिए, पेडागोजी अलग नहीं दिखना चाहिए, टेक्नोलॉजी अलग नहीं। इनकी जहां जहां आपको जरूरत लगेगी उस हिसाब से हम ये थोड़ा कंटेंट रखेंगे, उस कंटेंट को कैसे डिलीवर करना है उसके लिए हम पेडागोजी यूज करेंगे। हमें लग रहा है कि इस पेडागोजी का इस्तेमाल के दौरान कुछ जगह पे टेक्नोलॉजी की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मतलब हो सकता है ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़े, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़े, या कुछ वेब टूल्स या एप्स का इस्तेमाल करना पड़े, तो उनको उनका इस्तेमाल हम करेंगे। तो कुल मिला के दिस इज व्हाट सीपीटीके या टीपैक। ओके, अब इतना इंट्रोडक्शन मुझे लगता है कि काफी है आईसीटी को समझने के लिए। तो जो जो चार बातें मैंने कही थी मल्टीमीडिया से रिलेटेड, पहला उसमें टेक्स्ट, सो हम टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। ये जो टेक्स्ट है, हम आप सभी लोग जानते हैं कि चैटिंग के दौरान, वो व्हाट्सएप पे हो या फेसबुक पे हो या हाइक पे हो या लाइन पे हो या वेबर पे हो या फिर बहुत सारे और ऐप से, हम जो टाइप करते हैं, हम हमारे कीपैड की मदद से जो टाइप करते हैं, वो सॉफ्ट फॉर्म में हमारे पास कंटेंट बनना शुरू होता है। हम नॉर्मली वर्ड में काम करते हैं, एमएस ऑफिस का जो वर्ड है हम उसमें काम करते, और उसमें जो हम काम करते मतलब टाइप करते, वो कंटेंट हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में आता है। तो एक हमेशा एक बात को याद रखिएगा कि हर प्रकार के रिसोर्सेस हमें दो तरीके से मिलेंगे, एक जो ऑलरेडी अवेलेबल है वेब पे मतलब इंटरनेट पे, और दूसरा जो हम अपने गैजेट की मदद से तैयार कर रहे हैं। तो जब मैं वर्ड पे टाइप कर रहा हूँ कोई किसी फाइल को, या किसी फाइल पे मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने तरफ से क्रिएट कर रहा हूँ। सो हियर आई एम बिकमिंग अ प्रोड्यूसर, मैं यहाँ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जब मैं अपने फोन से कोई फोटो खींच रहा हूँ
तब यहाँ पर मैं प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उन बातों को जब मैं लेता हूँ तब मैं सिर्फ कंज्यूमर हूँ, और हम में से अधिकांश लोग सिर्फ कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर नहीं है। सो ओरिजिनली प्रोड्यूसर भी हम 100% नहीं बन सकते, कंज्यूमर 100% बनना या कंज्यूमर के रूप में दूसरे के ऊपर 100% निर्भर रहना ये भी गलत है। सो हमें कहीं पर जो प्रोज्यूमर की बात जो बोलते हैं ना, एक नया टर्म यूज हो रहा है पिछले कई समय से, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर, प्रोज्यूमर, तो हमको ये दोनों का रोल अदा करना पड़ेगा बीइंग अ टीचर। ओके, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो टेक्स्ट आप सॉफ्ट फॉर्म में कई प्लेटफॉर्म्स पे तैयार कर सकते हो। सो मल्टीमीडिया के लिए जो आवश्यक बात है सबसे पहले टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट इस प्रकार से ले लिया, ठीक है। अब दूसरा जो मुद्दा है इमेजेस का, सो इमेजेस हम कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। एक थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि आपके पास अगर एक स्टील कैमरा है आप उससे इमेजेस ले सकते, आपके पास स्मार्टफोन है, आजकल बहुत अच्छा मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, मेगापिक्सल इज नथिंग बट पिक्सल इज नथिंग बट पिक्चर पर सेल, एक पर्टिकुलर सेल में कितना पिक्चर है, तो आजकल काफी बड़े मेगापिक्सल के कैमरेज आ रहे हैं, तो क्लैरिटी भी बहुत अच्छी, एचडी क्वालिटी के फोटोज हम खींच सकते हैं। तो एक तो मैं खुद फोटो तैयार करूंगा, दूसरा फोटो ऑलरेडी लोगों ने या इमेजेस ऑलरेडी लोगों ने तैयार करके इंटरनेट पे रखे, वो तो कहाँ है, कैसे सर्च करेंगे। जब कभी आप गूगल सर्च इंजिन का इस्तेमाल करते हैं तब आप पाते हैं कि सबसे पहले कुछ भी आप सर्च करते हो तो एक ऑल करके आता है गूगल में नीचे, उसके जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो वीडियो आता है, इमेजेस आता है, और भी कुछ कुछ चीजें आती है। तो आपको जब कभी किसी एक पर्टिकुलर इमेज की जरूरत पड़े जो आपके पास नहीं है, आप गूगल पे सर्च करिए और इमेजेस वाले टैब को क्लिक करिए। आपको ताज्जुब होगा, आप में से कई लोग करते भी होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया आपको ताज्जुब होगा कि लगभग हर प्रकार की इमेज गूगल के इस गूगल इमेज में अवेलेबल है। ओके, इसके अलावा आप पिकासो का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारी इमेजेस मिल रही है, इवन फेसबुक पे भी काफी इमेजेस मिलती है। आप देखो कि इमेजेस की भरमार है आज, आज ऐसी शायद ही कोई बात रह गई होगी जो इमेज के रूप में हमें इंटरनेट पे नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हमारे पास भी होती है, उसको भी हमें अपलोड करना सीखना होगा, अपलोड करने की हमें आदत बनानी होगी, क्योंकि इंटरनेट पे कोई भी चीज आई, कैसे आई, क्यों आई, क्योंकि किसी और ने अपलोड की, किसी और ने रखी, किसी और ने रखी, हमको जरूरत थी, हमने सर्च किया, हमको मिला, अगर कोई और नहीं रखता तो हमें कैसे मिलता। तो हमारे पास भी कुछ चीजें है, उसको हमें देना, इसको बोलते समाज को देना बोलते, समाज से तो हम ले रहे लेकिन समाज को हम देंगे कैसे, तो इसको हमारे पास जो कुछ रिसोर्सेस है अगर हम उसको इंटरनेट पर रखेंगे तो वो किसी और के काम आएगा, और इंटरनेट को हम ट्रेजर कहते हैं, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मराठी में हम खजीना बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते, ट्रेजर, बहुत बहुत बड़ी संपत्ति का एक भंडार है। इस ये जो संपत्ति का, ज्ञान की संपत्ति का, या इंफॉर्मेशन की संपत्ति का, ये जो इतना बड़ा भंडार बना, ये कैसे बना, क्योंकि लोगों ने अपने पास की संपत्ति, अपने पास की जानकारी, अपने पास के वीडियो, अपने पास के फोटोज वहां पर अपलोड किए, अपने पास के ऑडियोज वहां पर अपलोड किए, और जब हमें जरूरत पड़ रही है तब हमें वो प्राप्त हो रहा है। तो हम सिर्फ इंटरनेट से लेंगे नहीं, हम इंटरनेट पे देंगे। तो मैंने टेक्स्ट की बात कर ली, मैंने इमेजेस की बात कर ली कि इमेज को हम कैसे खुद तैयार कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वहां पर इंटरनेट पर उसको हम ले सकते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा आते हैं ऑडियो पे, तो जाहिर सी बात है कि ऑडियो को भी हम तैयार करना है, हमें तैयार करना है, तो हमारे फोन में ऑडियो रिकॉर्डर होता है, हम ऑडियो रिकॉर्डर की मदद ले सकते हैं, किसी कहानी को बताना है, किसी कविता को गा के सुनाना है, कोई एक इम्पोर्टेंट संभाषण हो रहा है किसी फैकल्टी के बीच में या आपके बीच में और या आपके टीचर के बीच में, और आपको लगता है कि ये संभाषण रिकॉर्ड करना जरूरी है ताकि सब लोगों तक ये पहुंचे, तो आप कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा आजकल अवेलेबल है, उसका मदद आप ले सकते हैं, तो आप अपने तरफ से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डर के गैजेट्स भी आते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये जो जिन बच्चों को दिखाई नहीं देता ना उनके लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत काम करती है।
वो नॉर्मली अपने पास ऑडियो रिकॉर्डर रखते हैं। जैसे ही टीचर ने अपना लेक्चर शुरू किया, अपनी बात करनी शुरू की, ऑडियो रिकॉर्डर ऑन करते हैं और बाद में जाके उसको सुनते हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकते, देख नहीं सकते तो पढ़ भी नहीं सकते, और ब्रेल लिपि कि मैं हर एक चीज हमारे देश में है ही नहीं। तो ऐसे में ये ऑडियो रिकॉर्डर एक बहुत बड़ा संसाधन, एक बहुत बड़ा सोर्स के रूप में उनको मदद करता है। एक तो ये हुआ, इसके अलावा ऑडियो फाइल्स, आप जिसको हम MP3 भी कहते हैं ना, म्यूजिक प्लेयर 3, MP3, तो आप देखोगे कि गूगल पे सर्च करें या किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च करें तो आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के MP3 या ऑडियो फाइल्स मिलते हैं। पॉडकास्टिंग के हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी है, वेबसाइट्स भी है, एप्स भी है, जहां पर जैसे ये जो स्टार मेकर है, ये स्टार मेकर है क्या? एक प्रकार से आप गाना गाते हो, मतलब आपका ऑडियो वहां रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड होने के बाद वो पब्लिक के पास पहुंचता है। विंक म्यूजिक है, इसके अलावा आप देखते हो कि पागल वर्ड नाम से एक वेबसाइट है, ऐसे कितने तो वेबसाइट्स है जहां पर हमें ऑडियो फाइल्स इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो एक हम खुद तैयार कर सकते हैं, दूसरा जो अवेलेबल है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक जो चौथी बात बची है वो है वीडियोस की। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को पता होगा कि अगर आपको वीडियो प्राप्त करने हैं तो आप कहाँ जाओगे, और ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलोगे सर YouTube, हम YouTube पे जाएंगे। ओके, YouTube के मदद से हम तीन चार बातें कर सकते हैं। एक, वहां जो वीडियोस है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पास जो वीडियोस है उसको हम अपलोड कर सकते हैं, हमारे पास जो वीडियो है हमने वीडियो रिकॉर्डर या हमारे फोन के मदद से उसको रिकॉर्ड किया है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हमने कुछ उसमें कुछ इफेक्ट्स डाले, कुछ अननेसेसरी चीजें हमने हटा दी, नॉइज को हमने रिड्यूस किया और हमने वहां पर उसको रख दिया, अपलोड करने के लिए रख दिया। अपलोड करने के बाद ये होता है कि हमारा पास का रिसोर्स यूट्यूब पे चला जाता है और जिसको उसमें इंटरेस्ट होगा वो उस पर्टिकुलर वीडियो को देखेगा। तो हमारे पास की वीडियो तो हम डाल ही रहे, लेकिन यूट्यूब पे जो है उसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब ने पिछले कुछ समय से लाइव का भी सुविधा दे दिया। जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ अभी फेसबुक पे लाइव हूँ, मैं ऐसे यूट्यूब पे भी लाइव आ सकता था, और यूट्यूब पे लाइव आने के बाद मैं जो कुछ बात कर रहा हूँ वो पब्लिक के सामने पहुंचेगी, और साथ ही साथ जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म होगा तो यूट्यूब पे के ऊपर वो हमेशा के लिए सेव भी हो सकता है। तो यूट्यूब मेनली इतनी सारी चीजें फिलहाल कर रहा है, मतलब वहां से हम वीडियो ले सकते हैं। YouTube के साथ एक अच्छा ही कहे या बुराई कहे, ये है कि YouTube पर हर प्रकार के रिसोर्सेज या हर प्रकार के वीडियोस होते हैं। उसमें कुछ वीडियोस ऐसे हो सकते हैं जो इतने बच्चों के हिसाब से सही नहीं हो या टीचर के हिसाब से सही नहीं हो। तो एक टीचर ट्यूब नामक एक और वेबसाइट है जहां पर सिंपली टीचिंग और लर्निंग से रिलेटेड ही वीडियोस आपको प्राप्त होंगे, तो वहां पर सिर्फ उसी प्रकार के वीडियोस होते हैं। तो आप चाहे तो टीचर ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने बताया कि हम हमारे पास की वीडियोस कैसे वहां रखेंगे और जो वहां पर है वहां की वीडियोस हम कैसे डाउनलोड करेंगे। तो अभी तक मैंने जो बात की वो मल्टीमीडिया से रिलेटेड बात थी। अब मैं थोड़ा सा वेब टू टेक्नोलॉजी की तरफ जाता हूँ। ये वेब टू टेक्नोलॉजी क्या है? नाउ आई एम कमिंग टू वेब टू टेक्नोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेब टू टेक्नोलॉजी? इफ वी से द मोमेंट व्हेन वी से वेब टू टेक्नोलॉजी, देर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज वेब वन टेक्नोलॉजी। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वेब वन नाम से भी होगी, तभी तो वेब टू आया, अब वेब थ्री भी आ चुका है। अब वेब वन और वेब टू में क्या अंतर है? वेब वन नॉर्मली वेब वन जो है वो स्टैटिक है और वेब टू जो है वो डायनामिक है। अब स्टैटिक और डायनामिक का क्या अंतर होगा, इन दोनों में क्या अंतर होगा? स्टैटिक का मतलब वन वे कम्युनिकेशन। आप नॉर्मली कई वेबसाइट्स देखते हो, वो वेबसाइट्स में जानकारी तो होती है, उन जानकारी को हम पढ़ सकते हैं, कॉपी करके हमारे सिस्टम में रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी बात के ऊपर उनको बताना है कि कोई सवाल हमारा है और सवाल हमको वहां करना है, तो इस प्रकार की सुविधा वहां पर नहीं होती, इसलिए हम उसको स्टैटिक कहते हैं। ये नॉर्मली इस प्रकार की वेबसाइट जो है वो HTML बेस्ड वेबसाइट होती है। और दूसरी तरफ है वेब टू टेक्नोलॉजी। सो वेब टू टेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर टू वे कम्युनिकेशन संभव है। मुझे किसी बात के, जैसे आप देखते हो फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब, अभी आप लोग कमेंट्स यहाँ डाल रहे हो, मेरी बात आप सुन रहे हो, आपको वहां से कुछ कहना है, आप कुछ लिख के डाल रहे हो, मतलब इंस्टेंट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। इन टाइम द कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन। ओके, बट इन केस ऑफ दिस वेरी फर्स्ट वेब वन टेक्नोलॉजी,
इंस्टेंट कम्युनिकेशन नहीं होता, वो जानकारी वहां दी गई है, स्टैटिक है, स्थिर है, बट डायनामिक में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन संभव है। तो वेब टू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हमें करना है तो हमें रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जाता है, जैसे ही अगर मुझे आप लोगों में से किसी को खत लिखना है, लेटर लिखना है, आजकल तो जमाना चला गया, लेकिन जब भी हम कभी किसी को खत लिखते थे तो जाहिर सी बात है कि उसका नाम, उसका पता, उसका सारा एड्रेस हमारे पास होना चाहिए था, इंक्लूडिंग पिन। जब वो चीज हमारे पास होती थी और हम लेटर लिखते थे, वो उसके पास पहुंच जाता था। उसी तरीके से हमें, जब हम सोशल नेटवर्किंग पे आते हैं या फिर वेब टू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम करते हैं, तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी हमसे ये पूछना चाहती कि आप कौन हो। फेसबुक पे जब तक मैं अपना अकाउंट नहीं बनाऊंगा, तब तक मैं किसी और को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि फेसबुक ये जानना चाहता है कि आप हो कौन। इवन आप व्हाट्सएप भी जब इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर पूछता है। आपने फेसबुक, आपने व्हाट्सएप आपके फोन में इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन आपने अगर उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के एक प्रक्रिया को फॉलो करके वो चीज नहीं की, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तब तक पब्लिक को नहीं पता चलेगा कि आप व्हाट्सएप पे आ चुके हो। तो वेब टू टेक्नोलॉजी के लिए ये रजिस्ट्रेशन जो है वो अनिवार्य होता है। पढ़ना है तो इतना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको उसके ऊपर कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, कुछ वर्क करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। सो वेब टू टेक्नोलॉजी की कुछ टूल्स को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। अच्छा, वेब टू टेक्नोलॉजी की कुछ खासियत है, एक तो डिस्टेंस को कम करता है। आप जहां रहो, मैं भी जहां रहूं, हम यहाँ से वो सारी बातें वहां पे कर सकती है। हमारा टेक्नोलॉजिकल स्किल वो बढ़ाता है, हमारा कम्युनिकेशन वो स्ट्रॉन्ग करता है, ऐसी बहुत सारी उसकी खासियत है। तो इसके कुछ टूल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में अक्सर ये पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा कि सेलिब्रिटीज अपने ब्लॉग लिखते हैं। आमिर खान ने अपने ब्लॉग में ये कहा, अमिताभ ने अपने ब्लॉग में ये कहा, मोदी जी ने अपने ब्लॉग में ये कहा, या अन्ना हजारे ने अपने ब्लॉग में ये कहा। तो ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग केवल सेलिब्रिटीज के लिए नहीं है, ये सबके लिए अवेलेबल है। आप आज अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो तो, और सिंपली आपको सर्च करना है वेयर टू क्रिएट अ ब्लॉग, ब्लॉग कहाँ क्रिएट करना है, आप पाओगे कि ढेरों वेबसाइट्स आपके सामने हाजिर हो जाएंगी जिनकी मदद से आप ब्लॉग बना सकते हैं। अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि इंटरनेट पे ये जो wordpress.com, wordpress wordpress.com काफी फेमस है। इसका जो फ्री वर्जन है, इसके मदद से अगर आप जिंदगी भर भी लिखते रहो तो भी आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक हाथ दो लिमिटेशन है, जैसे आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, सो वीडियो अपलोड नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करो और वहां से एम्बेड कर दो, मतलब उसका लिंक आप आपके ब्लॉग में लिखो दे दो। सो ब्लॉग बेसिकली खुद को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है, जहां पर आपको कविता लिखने का शौक है, आपकी कविता कहीं पब्लिश नहीं हुई, ना आप पब्लिश करना चाहते हो, आपको हर दिन कुछ कोट लिखने का शौक है, बीच बीच में कभी आप किसी मुद्दे के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हो, आपको वो करने की मन है, तो आप कहाँ खुद को एक्सप्रेस करोगे? तो खुद को एक्सप्रेस करने के लिए ब्लॉग एक बहुत ही पावरफुल माध्यम है, नंबर वन। नंबर टू, आप मैथमेटिक्स या साइंस या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या इंग्लिश या मराठी या हिंदी, किसी विषय के आप क्लास टीचर है या सब्जेक्ट टीचर है, तो आप चाहते हो कि आपके विद्यार्थियों तक इस सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी जानकारी, अच्छे से अच्छी जानकारी है, वो जानकारी पहुंचानी चाहिए। तो उसके लिए आप एक पर्टिकुलर ब्लॉग तैयार कर सकते हो, एडू ब्लॉग है हो, या wordpress.com हो, या blogspot.com हो, या blogger.com हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, बहुत सारे। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ब्लॉग का एक बैकएंड होता है, जहां पर आपको चीजों को टाइप करना होता है, बनाना होता है, और एक फ्रंट एंड होता है। अभी चूंकि मैं फेसबुक पे बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको कुछ भी शो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितनी भी बातें मैंने अभी तक कही, इनका सबका एग्जाम्पल मेरे पास है, आपके सर के पास। मैं मेरा जो प्रेजेंटेशन है इससे रिलेटेड वो शेयर कर दूंगा, हो सकता है वो आपको भी वो बाद में दे दे। तो ब्लॉग बनाना इनिशियली आपको लगेगा कि थोड़ा कठिन है, लेकिन धीरे 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 आप पाओगे कि ब्लॉग बनाना बहुत आसान है, और पर एक प्रकार से ये डायरी का भी काम करता है।
ओके पहले क्या होता था कि ब्लॉग में एक ही एडमिन होता था, लेकिन अब एक से ज्यादा भी एडमिन हो सकते हैं। मतलब मैंने एक ब्लॉग बनाया और वो मेरे इंस्टीट्यूशन का है, वहां पर और भी लोग अपने तरफ से कुछ लिख सकते हैं। ऐसे में होता क्या है कि हर बार हो सकता है कि मैं फ्री ना हूं, तो मैं किसी और को भी वहां पर एडमिन के रूप में ऐड कर सकता हूँ और वो भी अपनी चीजों को, अपनी संस्था की चीजों को या किसी और बात को वहां पर ऐड कर सकता है। तो एक हो गया ब्लॉग। दूसरा, कुछ कोलाबरेटिव टूल्स है। कोलाबरेटिव टूल्स से तात्पर्य जैसे फेसबुक है, क्या फेसबुक कोलाबरेटिव है? क्या व्हाट्सएप कोलाबरेटिव है? नहीं, व्हाट्सएप कोलाबरेटिव नहीं है, फेसबुक कोलाबरेटिव नहीं है, यूट्यूब कोलाबरेटिव नहीं है। कोलाबरेटिव का मतलब मिलजुल के काम करना। मिलजुल के काम करने का तात्पर्य ये कि मैंने इंटरनेट पे किसी जगह पर एक डॉक्यूमेंट बनाया, उस डॉक्यूमेंट को आपने देखा और आपको लगा कि इसमें कुछ गलतियां है, कुछ ग्रामेटिकल एरर हुई, या आपको लगा कि इससे रिलेटेड जानकारी मेरे पास और है, मैं इसमें ऐड कर सकता हूं। तो आपके पास ये सुविधा होनी चाहिए कि आप मेरे डॉक्यूमेंट को, आप मेरे कार्य को एडिट कर सके। तो फेसबुक पे अगर मैंने कोई पोस्ट कर दी, आप उसको लाइक कर सकते हो, आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हो, लेकिन क्या आप मेरे फेसबुक के पोस्ट को डिलीट कर सकते हो? नहीं। क्या आप मेरे फेसबुक के पोस्ट को एडिट कर सकते हो? नहीं। इसका मतलब फेसबुक इज नॉट एट ऑल कोलाबरेटिव, व्हाट्सएप इज नॉट एट ऑल कोलाबरेटिव, यूट्यूब इज नॉट एट ऑल कोलाबरेटिव। सो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव, व्हाट एग्जैक्टली द कोलाबरेटिव टूल्स आर, व्हाट काइंड ऑफ, या व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सच काइंड ऑफ कोलाबरेटिव टूल्स व्हिच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। सो वेरी फेमस एग्जांपल, वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, द मोमेंट यू गो ऑन गूगल एंड सर्च समथिंग, यू माइट बी ऑब्जर्विंग दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वन पर्टिकुलर वेबसाइट अपियर्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड दैट इज नथिंग बट विकिपीडिया, द फ्री इंसाइक्लोपीडिया। सो विकी, विकिपीडिया में जो विकी है, सो विकी इज कोलाबरेटिव टूल। विकिपीडिया, विकी एडुकेटर, विकी आकी, विकी स्पेसेस, एन नंबर ऑफ विकीज आर अवेलेबल वेर यू कैन फ्रीली क्रिएट यूर कंटेंट एंड दैट टू इन कोलाबरेटिव फॉर्म। इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, हमें उस पर्टिकुलर साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम अपने तरफ से कंटेंट को क्रिएट कर सकते। जो विकिपीडिया पे डाला, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, विकिपीडिया पे जो डाला वो अपने आप नहीं आया है कहीं से, उसको भी किसी ने डेवलप किया है, उसको किसी ने डेवलप किया है और उसी के कारण तो वो वहां पर आया ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो विकी है, विकी एडुकेटर या विकीपीडिया, ये कोलाबरेटिव अपने आप में है। अगर आपको कुछ उदाहरण चाहिए तो गूगल पे आप सर्च करेंगे संजय कुमार पंडागले और आके विकी एडुकेटर डाल दीजिए, आगे विकी एडुकेटर डाल दीजिए, संजय कुमार पंडागले विकी एडुकेटर, आप पाएंगे कि मैंने 2007 से लेके अब तक बहुत सारा काम विकी एडुकेटर पे किया है। कम से कम 4-5 हजार विद्यार्थियों को मैंने अब तक वो सिखाया होगा। इनका एक एक लेवल होता है, वो लेवल में भी मैं काफी ऊपर तक हूँ। और ये सब कुछ जो मैंने किया वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट से। तो विकी एडुकेटर या विकी अपने आप में कोलाबरेटिव टूल है, जहां पर हम फ्री में कंटेंट, मल्टीमीडिया कंटेंट। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, ये जो ब्लॉग है, ब्लॉग में आप मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। मल्टीमीडिया जैसे कि मैंने बताया, चारों बातों को आप वहां पे रख सकते हो, उसी तरीके से आप विकी पर भी चारों बातों को रख सकते हो, आप मल्टीमीडिया कंटेंट वहां पर तैयार कर सकते हो। अब विकी के अलावा और क्या कोलाबरेटिव टूल है? आप लोगों ने कभी गूगल फॉर्म्स के बारे में सुना होगा, आपने कभी गूगल डॉक्स के बारे में सुना होगा, गूगल स्लाइड्स के बारे में सुना होगा, या गूगल शीट के बारे में सुना होगा। ये जो चार बातें मैंने अभी कही, ये चारों बातें में से तीन बातें, जो स्लाइड्स है, डॉक्स है या फिर शीट से, ये तीनों एमएस ऑफिस के ही प्रकार है। एमएस ऑफिस में हम एक्सेल देखते हैं, वर्ड देखते हैं, पावर पॉइंट देखते हैं, इनको इन्होंने एक प्रकार से ऑनलाइन कर दिया। सो ऑनलाइन करने का फायदा क्या है? मान लो मैं पीएचडी कर रहा हूँ या मैं डिजर्टेशन है मेरा एमएड का, मेरे गाइड अभी यहाँ है नहीं, मैं गाइड के पास अपना वर्क भेजना चाहता हूँ। सो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वर्ड में काम करते हैं और उसको ईमेल कर देते हैं। अब ईमेल करने के बाद टीचर मेरा गाइड जो है वो जहां पर भी है उसको ओपन करेगा, डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके करेक्शन करेगा और मुझे वापस भेज देगा। इसके अलावा अगर मैं गूगल डॉक्स पर ये मेरा डिजर्टेशन रखू,
सो मेरा टीचर कहीं पे उसको कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली मैं परमिशन दे दूंगा कि मेरा डॉक्यूमेंट को आप एडिट कर सकते हो, मेरा टीचर वहां से एडिट कर देगा जहां पर भी बैठा हुआ है, और एडिट करने के बाद वो ऑटोमेटिक सेव करता है। तो ये जो गूगल डॉक्स है या स्लाइड्स है या शीट्स है या गूगल फॉर्म है, ये सारे कोलाबरेटिव है। मैंने बनाया, मैंने आपको अधिकार दिया एडिट करने का, तो आप उसमें एडिट कर सकते हो, उसमें और भी अपने तरफ से कुछ जानकारी को ऐड कर सकते हो। अब इसके अलावा आगे और बढ़ते हैं थोड़ा। हमें अक्सर पावर पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, पावर पॉइंट फाइल्स की। मान के चलते हैं कि पावर पॉइंट बनाना हमें आता है। जब हमें आता है तो हर एक टॉपिक के लिए हम खुद होके पावर पॉइंट क्यों बनाएंगे? पहली रिक्वायरमेंट है कि पावर पॉइंट बनाना हमें आना चाहिए, और हमें वो आ रहा है। तो आप slideshare.net, slideshare, slideshare.net इस वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में नॉट ओनली पावर पॉइंट फाइल्स बट PDF, वर्ड एंड अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर ऑल्सो अवेलेबल एट slideshare.net। अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप अपने पास के पावर पॉइंट भी वहां पर अपलोड कर सकते हैं, अपने पास के दूसरे रिसोर्सेज, खास करके डॉक्यूमेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, यू कैन अपलोड ऑन दैट slideshare.net। ओके, तो एक ये एक अच्छी बात मैंने आप लोगों को बताई, जिसके मदद से आपको बहुत सारे पावर पॉइंट्स अगर चाहिए अलग अलग विषय पे, आसानी से आपको वो डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है? अब मैं थोड़ा सा इवेल्यूएशन की तरफ आता हूँ। इवेल्यूएशन, असेसमेंट, मूल्यांकन, आकलन, इसमें टेक्नोलॉजी किस तरीके से मदद करेगी? एक थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था गूगल फॉर्म का। सो गूगल फॉर्म, FORMS, गूगल फॉर्म, जैसे ही आप गूगल सर्च इंजिन ओपन करते हैं, राइट साइड में आप देखते हो कि वहां पर 9 टाइल्स दिखाता है, जिसको हम ग्रिड कहते हैं। इस ग्रिड के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो गूगल के अपने जितने भी एप्स है, वो सारे एप्स एक के बाद यहाँ पर ओपन होते हैं। तो उसी में आपको ये गूगल फॉर्म मिलेगा, उसी में आपको स्लाइड मिलेगा, उसमें बहुत सारे गूगल के एप्स मिलते हैं। तो गूगल फॉर्म की मदद से हम टेस्ट तैयार कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट, मल्टीपल टेस्ट भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव टाइप भी टेस्ट आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वहां पर क्विज भी तैयार कर सकते हो। सो क्विज तैयार कर लिया, 10 मार्क का सॉरी 10 सवालों का 20 मार्क का एक क्विज मैंने तैयार किया, राइट आंसर वहां मैंने फीड कर दिए और स्टूडेंट को उसकी लिंक भेज दी। स्टूडेंट ने लिंक को ओपन किया, जवाब दिए, सबमिट किया। सबमिट करते ही इंस्टेंटली स्टूडेंट को उसका स्कोर पता चलता है। एक तो ये तरीका है। उसके अलावा मुझे रिसर्च करना है। अब ऐसे पैंडेमिक के सिचुएशन में, कोरोना के सिचुएशन में हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो क्या रिसर्च हम रोक देंगे? नहीं, हम गूगल फॉर्म तैयार करेंगे और हमारे क्लाइंट के पास, हमारे टारगेट के पास उसकी लिंक भेज देंगे। हमारा टारगेट उसको ओपन करेगा, ओपन करके अपने जवाब वहां पर लिखेगा, सबमिट करेगा। सबमिट करते ही सबके जवाब मेरे पास आने शुरू हो जाते हैं। तो किसी बात के लिए फीडबैक चाहिए, किसी बात का मुझे सर्वे करना है, या डिस्क्रिप्टिव प्रकार के जवाबों को भी विद्यार्थियों से मंगाना है, फाइल को अपलोड करना है, ये सारी सुविधा गूगल फॉर्म में अवेलेबल है। तो असेसमेंट के लिए अपने आप में फ्री, बिना खर्च किए, एक अच्छा टूल है गूगल फॉर्म। इसके अलावा सर्वे मंकी, जहां पर आप सर्वे कर सकते हैं, पोल डैडी, यहां पर भी आप सर्वे कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा और ऑब्जर्व करोगे, गूगल पे जाके देखेंगे, तो ऐसे आए दिन बहुत सारे इवेल्युएशन से रिलेटेड टूल्स आते जा रहे हैं। रूब्रिक्स, रूब्रिक्स आप जानते हैं कि एक प्रकार से क्राइटेरिया होता है, जिसके मदद से जो क्राइटेरिया हम विद्यार्थी को पहले से देते हैं और विद्यार्थी को पता होता है कि मुझे कौन से पैमानों पे जांचा जा रहा है, तो वो क्राइटेरिया तैयार करने के लिए या रूब्रिक्स तैयार करने के लिए आप rubystar.com, rubystar.com पे जाएंगे। वहां से आप आसानी से रूब्रिक्स जो पहले से तैयार हुए हैं और आपको लगता है कि रूब्रिक्स मैं एज इट इज यूज कर सकता हूँ, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पहले से तैयार है उसमें आप चाहते हो कि मेरे तरफ से कुछ और ऐड करना है, या मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, चेंज करना है, तो आप उसको भी वहां पर कर सकते हैं। तो रूब्रिक्स के लिए पोर्टफोलियो की बात आती है। पोर्टफोलियो आप जानते हैं कि किसी एक विद्यार्थी का पूरा रिकॉर्ड, पहले दिन से लेके स्कूल के आखिरी दिन तक, वो कौन से स्पोर्ट्स में शामिल हुआ, कौन से क्या कहेंगे
एक्टिविटीज में, कल्चरल एक्टिविटीज में उसने पार्ट लिया, वो पढ़ाई में कैसा है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसका परफॉर्मेंस क्या था, हाफ ईयरली में क्या है, तो ये सारी बातों का रिकॉर्ड टीचर को रखने के लिए कहा जाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियोज आर ऑल्सो अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ महारा वेबसाइट। यू कैन क्रिएट योर इंस्टीट्यूट वेबसाइट एट महारा, और आप आसानी से आपके पूरे क्लासेस के सारे विद्यार्थियों का ई पोर्टफोलियो वहां पर बना सकते हैं। ओके तो ये मैंने कुछ आप लोगों को इवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ बातें बताई। इवैल्यूएशन में आप जाओगे, आप देखोगे कि बहुत अच्छी अच्छी बातें और भी है। बस अभी एक दो बातें और करता हूँ, शायद आप लोग थक गए होंगे क्योंकि बहुत कंटिन्यू बड़बड़ बड़बड़ मेरी चल रही है। फिर भी और दो तीन बातें है, तो बहुत सारी बातें, लेकिन आप लोगों के हिसाब से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और वेबसाइट है जिसका नाम है H5P, H5, 5 मतलब 5, जो नंबर में हम 5 लिखते ना, H5P.com। आप यहाँ जाओगे, आप बहुत खूबसूरत तरीके से मल्टी मीडिया कंटेंट तैयार कर सकते। साथ ही साथ आप ये जो तैयार होता है वो स्लाइड्स के फॉर्म में तैयार होता है। जैसे मुझे फ्रैक्शंस पढ़ाना है, तो फ्रैक्शंस के कुछ प्रकार है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शंस क्या है ये बताऊंगा, ठीक है? अब फ्रैक्शंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो सर्च करता हूँ और उसको यहाँ पर एम्बेड कर देता हूँ। सो बच्चा क्या करेगा, थोड़ा थ्योरी पढ़ लेगा, एक दो लाइन, एक दो सेंटेंस वहां पे लिखे हुए कि फ्रैक्शंस क्या कहते हैं, साथ ही साथ वो वीडियो देखेगा और वीडियो पे उसकी और अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा ये फ्रैक्शन है, उसके अंडरस्टैंडिंग जो उसने की है वो उसकी अंडरस्टैंडिंग सही है या नहीं, ये देखने के लिए अगर मुझे सवाल डालने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के, मैच द फॉलोइंग टाइप के, मल्टीपल चॉइस वाले, तो वो सारे प्रकार के सवाल 1 2 3 जितने भी मुझे डालने में डालूंगा, फिर आगे जाऊंगा उसके टाइप पे आऊंगा, उसके जो प्रकार है एक एक प्रकार को मैं रखूंगा, एक एक प्रकार को रखने के बाद उसे रिलेटेड वीडियो रखूंगा, उसे रिलेटेड जानकारी रखूंगा, उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सवाल पूछना चाहता हूँ सवाल पूछूंगा, तो ये सारा H5P पे संभव है। ओके, इसके अलावा कुछ ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है जिसको हम OER कहते हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, इनको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो ट्रेजर या OER है वो NCERT का है। NCERT ने 5 सितंबर 2013 को ये लॉन्च किया। NCERT में एक CIT है, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो CIT का मेन पर्पज ही ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स तैयार करना है। पिछले 50-60 वर्षों से NCERT का CIT यही कर रहा है। तो इनके पास जितने भी ऑडियो विजुअल प्रकार की चीजें अवेलेबल थी, ये सारी की सारी चीजें इन्होंने एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे रखी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज NROER.gov.in, NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑन ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, NROER.gov.in। ऐसे ही रिसोर्सेस हर स्टेट को भी बनाने के लिए बोले हैं, रिपोजिटरीज बनाने के लिए बोली है। कई स्टेट्स ने इसके ऊपर काम किया है, कुछ स्टेट्स का शायद हो सकता है अभी भी काम चल रहा हो। तो आप NROER.gov.in पे जाएंगे, आप वहां पर पाएंगे कि स्टूडियो इन्वायरमेंट में बने हुए ऑडियो प्रोग्राम्स एज वेल एज वीडियो प्रोग्राम्स आर अवेलेबल अवेलेबल फॉर डाउनलोड, दैट टू फ्री। कोई सॉफ्टवेयर आपको अलग से नहीं चाहिए, आपको जो वीडियो अच्छा लगा आप उसके उसको विजिट कर लीजिए, उसको देख लीजिए और डाउनलोड करिए, डाउनलोड हो जाएगा। एक जो CIT ने दिया, दूसरा अगर आप वहां पे रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपके पास अगर जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस भी आप वहां पर अपलोड कर सकते हो, क्योंकि हम NCERT वाले ये चाहते हैं कि ये ट्रेजर, ये रिपोजिटरी बहुत बड़ी हो, बढ़ जाए, हर एक प्रकार के रिसोर्सेस हमारे पास आ जाए। तो NROER.gov.in। अगर आप मोबाइल पे आते हो तो आप लोगों ने ई पाठशाला के बारे में सुना होगा, ई पाठशाला भी NCERT का ही है। तो वेब के फॉर्म में NROER, ऐप के फॉर्म में ई पाठशाला, आप देखेंगे यहाँ पर भी सारे रिसोर्सेस आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो इनके मदद से भी आप बहुत कुछ चीजें प्राप्त कर सकते हो। तो आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे नहीं पता कहाँ तक आप लोगों के काम का ये सेशन था मेरा। आप लोगों का लेवल, आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग, इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की। हो सकता है कुछ जगह गलतियां भी हो, लेकिन गलतियों से इंसान सीखता है। तो सभी को मेरा धन्यवाद, विष्णु सर को मेरा धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस टॉपिक के ऊपर बात करने का मौका दिया। फिर कभी और अवसर प्राप्त हुआ तो किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू।